नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 42 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक विशेष शुद्धि क्रिया, जल नेति क्रिया। योग में कहा जाता है, धोतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातिस चेतानी सट कर्माणी प्रचक्षते। अर्थात धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपालभाति, ये षट क्रियाएं हैं। इन षट क्रियाओं को, इन शुद्धि क्रियाओं को एक योग के जिज्ञासु को अवश्य सीख लेना चाहिए और इनका अभ्यास करना चाहिए शारीरिक शुद्धि के लिए। आज हम जल नेति के बारे में समझेंगे। यूं तो नेति के बहुत से रूप हैं, रबर नेति है, सूत्र नेति है, तेल नेति है, जल नेति है, दुग्ध नेति है, धृत नेति है। जल नेति बहुत ही सरल क्रिया है, सामान्यतः इसे हमें सूत्र नेति या रबड़ नेति के बाद करना चाहिए, ताकि रबड़ नेति या सूत्र नेति की क्रिया से उखड़ने वाले मल का शोधन जल नेति क्रिया से आसानी से किया जा सके। जल नेति क्रिया के बारे में आप समझेंगे, एक टोटीदार ये लोटा होता है, आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। इसमें आप गुनगुना पानी लेंगे, पश्चात दो चुटकी नमक, यूं कह लीजिए कि बहुत थोड़ा, ये ना हो कि चम्मच भर करके डाल दें आप, और उसको इसमें डाल लीजिए और डाल करके चम्मच को ऐसे घुमा दीजिए ताकि नमक उसमें डिजोल्व हो जाए। जब ये पानी गुनगुना होता है, हल्का नमकीन होता है, तो इसे योगिक जल का नाम दिया जाता है। अतः आप समझ लीजिए कि जल नेति क्रिया योगिक जल के साथ की जाती है। मुंह खुला छोड़, श्वास को मुंह से लेते हुए दाई नासिका से जल को लेकर बाई नासिका से निकालना और बाई नासिका से लेकर दाई नासिका से निकालना जल नेति क्रिया कहलाती है। आप इसको देखेंगे पहले, फिर इसके लाभ भी आपको बतलाए जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था में आप इसको बैठ के कर लीजिए और जब आप सीख जाएंगे फिर आप इसे खड़े होकर के वाश बेसन पर सामान्यतः बाथरूम में कर सकते हैं। यह क्रिया प्रतिदिन की आप अपनी शुद्धि क्रिया के रूप में जीवन में अपना सकते हैं। ये देखिए आप, क्रिया पूरी होने पर कपालभाति प्राणायाम कभी भी करना ना भूलें। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर आगे की ओर झुक जाएं और फिर कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से, कपालभाति करने से नासिका के भीतर जो पानी की बूंदें रह जाती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अन्यथा यदि हम यह नहीं करते तो वो वाष्पीकृत होकर मस्तिष्क की तरफ बढ़ती है, जिससे कई बार सर भारी हो जाता है। अतः इस क्रिया का अभ्यास कर लेना चाहिए। अब देखिए कि इसके आपको लाभ क्या है।
इससे हमारे गले के दोष ठीक होते हैं, नासिका के दोष ठीक होते हैं, कान के दोष ठीक होते हैं, अर्थात ईएनटी डिपार्टमेंट पूरा शुद्ध हो जाता है और सक्रिय बनता है, उनके दोष ठीक होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, सर मस्तिष्क वाले भाग का शोधन होता है, श्वसन नलिका और फेफड़ों का शोधन होता है, कफ दोष ठीक होता है। यह हमारी कफ को नियंत्रित करने वाली क्रिया है और जब हम करते हैं इसे नेति सूत्र नेति और रबड़ नेति के बाद तो वहां का मल बाहर निकलता है। यदि हम प्रतिदिन इसे करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। आप इसका अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।